हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रियास क्लासेस आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड दिस टॉपिक पार्ट ऑफ यूनिट टू सोशियो पोलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरमेंट एमसीोर एम कॉम हिट द लाइक बटन डू शेयर योर कमेंट्स लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल फॉर योर स्टडीज ऑल्सो डोंगेट टू सब्सक्राइब सो दट यूट मिस आउट ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माई विडियोज चलिए शुरूआत करते हैं आज के टॉपिक की जो की है सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स सो इफ यू टॉक अबाउट सोशल वैल्यूज सोशल वैल्यूज जो होता है दे आर कल्चरल स्टैंडर्ड एट इंडिकेट द जनरल गुड दैट इज डीम्ड डिजायरेबल फॉर ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ ठीक है सो ये कुछ ना कुछ कल्चरल स्टैंडर्ड होता है जो कि हम मानते हैं कि ये डिजायरेबल है एक ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ के लिए अगर आपका सोशल लाइफ जो है प्रॉपर तरीके से चलना है अगर आप क्योंकि आप एक सोसाइटी के पार्ट हो बींग अम्बर ऑफ द सोसाइटी यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टन वे ठीक है ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी करो नहीं जब आप एक सोसाइटी का पार्ट होते हो आपको उनकी तरह बिहेव करना पड़ेगा एक सही ढंग से जो है आपको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा सो so, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड होता है कि आप इस तरीके से बिहेव करोगे सबको आप रिस्पेक्ट करोगे किसी से गलत नहीं बोलोगे सो so, ये सब जो है ये गुड बिहेवियर ठीक है ऑल दिस बिहेवियर आर डीम्ड एज गुड बिहेवियर और इस बिहेवियर को हम वी आर वी डिजायर ऑल दिस बिहेवियर दीज आर ऑल डिजायरेबल बिहेवियर जो कि एक ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ के लिए आपको चाहिए सो so, These are your social values. दीज आर एज्पशन ऑफ वॉट इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी सो ये सिंपली हम एज्यूम करते हैं कि अगर आप भाई सबसे रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो हमारे सोसाइटी में सारे खुश रहेंगे सो so, ये क्या है ये हमने एक अज्यूम कर लिया कि सबसे सबको जो है रिस्पेक्ट आपको करना है ठीक है बींग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी सो ये आपका जो है एक एजम्पन है विच शोज यू वॉट इज राइट एंड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सोसाइटी दे प्रोवाइड द मीनिंग फुल अल्टीमेट मीनिंग एंड लेजिटिसी फॉर सोशल अरेन्जमेंट एंड सोशल बिहेवियर ठीक है दे आर द एब्सट्रैक्ट टीमेंट्स और आइडिया तो ये कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं कुछ न कुछ आइडियल होते हैं जो की बींग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू फॉलो ठीक है सो यही जो है धीरे धीरे आपका सोशल वैल्यूज बन जाता है अगर हम एक एग्जाम्पल ले सोशल वैल्यू की फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी जो होता है ऐसा नहीं कि जो रिच जो है उन्हीं को सारे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जो पुअर लोग हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी ना हो नहीं सब लोग बींग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक्सेस होना चाहिए सो दैट इज कंसिडर्ड अ गुड वैल्यू ठीक है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल सो ये जो है ये एक डिजायरेबल बिहेवियर है जो कि हम मानते हैं कि अच्छा चीज है सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल वैल्यू नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिविजुअल वैल्यू की तो सोशल वैल्यू जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू इज एंजॉयड और सॉर्ट आउट बाय द इंडिविजुअल विच अ मैन सीक्स फॉर हिमसेल्फ तो यहाँ पे जो है आई वाला वो बात आ जाता है एक ह्यूमन बींग जो है जो अपने लिए फॉर हिमसेल्फ वो जो है जो भी वैल्यूज जो एंजॉय करता है जो वो सीक आउट करता है अपने फायदे के लिए ठीक है अपने आप को खुश रखने के लिए दैट विल बी इन दैट इज नोन एज इंडिव्यजुअल वैल्यू इवन दो दीज वैल्यूज आर कॉमनली शेयर वैल्यून दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये शेयर हो जाता है बट स्टिल हम इसको सोशल जो है हम इसको सोशल वैल्यू नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बंदा जो है वो अपने आप के लिए कर रहा है ठीक है वो ये नहीं देख रहा कि मैं क्योंकि सोसाइटी का पार्ट हूँ मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए नहीं वो अपने अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम कर रहा है So, we can say that it differs from social value, okay. So, individual value differs from social value. So, even though these values are commonly shared, they do not become social values. Social values regulate the thinking and behavior of individual. जो सोशल वैल्यू होता है वो ह्यूमन बींग्स का एज अ ह्यूमन बींग हमारा इंडिविजुअली हमारे बिहेवियर को वो ऑल्टर करता है कि हमें जो है सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है अगर हमें पता है कि हमें इस तरीके से नहीं बिहेव करना सो so हमारा दिमाग जो है वो पहले से ही सब कॉन्शियली हमारा दिमाग जो है पहले से ही कॉन्शियस हो जाता है कि हमें जो है इस तरीके से बिहेव दही कर रहा है तो हमारे बिहेवियर को भी वो थोड़ा बहुत क्या करता है थोड़ा बहुत ऑल्टर करता है नेक्स्ट अगर हम सोशल नॉर्म्स की बात करें अगेन सोशल वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती हैं सोशल नॉर्म्स से सोशल वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रुप बिहेवियर विच इनकॉपरेट वैल्यू जजमेंट एंड आर रिलेटेड टू द इवेंट इन रियल वर्ल्ड सो नॉर्म्स क्या होते हैं ये स्टैंडर्ड्स होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ग्रुप बिहेवियर होता है विच इनकॉपरेट वैल्यू जजमेंट एंड आर रिलेटेड टू द इवेंट रियल वर्ल्ड तो हमारा ग्रुप बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए ठीक है एक स्टैंडर्ड ऑफ ग्रुप बिहेवियर ठीक है जिसके अंदर हमारा वैल्यू जजमेंट वगैरह आ जाता है और यह रियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड इवेंट से रिलेटेड होता है दैट

एक स्टैंडर्डाइज ग्रुप बिहेवियर हम इसको बोल सकते हैं ठीक है सो अ नॉम इज अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेशन शेयर्ड बाई ग्रुप मेंबर्स अगेंस्ट विच द वैलिडिटी ऑफ परसेप्शन इज जज्ड एंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ फीलिंग एंड बिहेवियर इज इवेल्यूएटेड सो दे इट इज अ स्टैंडर्ड सो इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर किस चीज का स्टैंडर्ड बिहेवियर का स्टैंडर्ड कि आप जो है इस तरीके से आप क्या करोगे आप बिहेव करोगे ठीक है सो दैट इज योर सोशल नॉर्म ठीक है एंड सोशल नॉर्म जो है अगेन इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम योर सोशल वैल्यूज नेक्स्ट वी हैव एटीट्यूड अगर हम एटीट्यूड की बात करें सो एटीट्यूड इज द सेट ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन द इंडिविजुअल बींग एक इंडिविजुअल बींग के अंदर ही उसके दिमाग में ही जो कॉन्शियसनेस है उसको पता है कि मैं कौन हूं मेरे लिमिट्स क्या है मुझे क्या करना है उसको अपने फीलिंग के बारे में अपने थॉट्स के बारे में उसको पता हो दैट इज योर एटीट्यूड इट रिफर्स टू सर्टन रेगुलरिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल्स फीलिंग थॉट्स एंड प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट टूवर्ड समेक्ट ऑफ हिस एन्वायरमेंट सो एक इंडिविजुअल एक एनवायरमेंट में रहके कैसे उसका दिमाग चलता है उसकी फीलिंग्स किस हिसाब से, से होती है कोई भी जो है सिचुएशन अगर उसके सामने आए तो पहले उसके दिमाग में क्या चलेगा उसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आएंगे क्या क्या किस तरीके से वो जो है डिसीजन मेकिंग करेगा और किस तरीके से वो एक्ट करेगा ठीक है रिएक्ट किस तरीके से करेगा दैट इज योर एटीट्यूड इट इज ए सब्जेक्टिव रिएक्शन विध रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव कोई भी सिटुएशन आए कोई भी आपके सामने सिचुएशन आए तो आप जो है बीइंग एन इंडिविजुअल आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो दैट विल बी योर एटीट्यूड आपका थिंकिंग उस टाइम किस तरीके से होगा आपका फीलिंग किस उस टाइम किस तरीके से होगा और आप किस तरीके से जो है उस पॉइंट पे जो है आप डिसीजन मेकिंग करते हो नाउ डिफरेंट पीपल कैन नॉट हैव अ कॉमन एटीट्यूड तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट लोगों का जो एटीट्यूड होगा जो वो डिफरेंट रहेगा क्योंकि डिफरेंट लोगों का जो इंटरेस्ट होता है डिफरेंट होता है टेस्ट डिफरेंट होता है उनका जो नॉलेज है जहाँ से उनका बैकग्राउंड है वो सारा जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है ठीक है सो इंटरेस्ट जो होता है लोगों के एटीट्यूड आइडेंटिकल हो सकता है मतलब दो लोगों के इंटरेस्ट जो है आइडेंटिकल हो सकता है कि भाई इस बंदे को म्यूजिक पसंद है सेम टेस्ट ऑफ म्यूजिक है इसका भी सेम टेस्ट ऑफ म्यूजिक है बट इन दोनों का जो एटीट्यूड है वो सिमिलर नहीं होता लोगों का अगर इंटरेस्ट सेम हो सकता है बट एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता एंड फाइनली योर एटीट्यूड विल डिटरमाइन योर सोशल रिलेशनशिप कि आपका एटीट्यूड जो है किस तरीके का है वो आपका सोशल रिलेशनशिप जो है वो डिपेंड करेगा उसके सोशल रिलेशनशिप के पे मतलब वो अफेक्ट करेगा आपके सोशल रिलेशन को कि आप जो है दूसरे के साथ कितना बिहेव कर रहे हो ज्यादा उनको एटीट्यूड दे रहे हो ज्यादा भाव खा रहे हो मतलब किस तरीके से आपका एटीट्यूड है आप बहुत अच्छे से बात करते हो सो दैट विल डिटरमाइन की आपका जो है उन लोगों के साथ किस तरीके से बोल चाल है किस तरीके से फ्रेंडली आप कितने हो उस बंदे के साथ सो दैट इज योर अगेन योर पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड एंड इट डिटरमाइंस योर सोशल रिलेशनशिप सो एज मैकलेवर एक मैकलेवर थे एम ए सी एल बी सो ही सेट दैट डिफरेंट पीपल नॉट हैव ओनली लाइक एटीट्यूडेक्टिव एलिमेंट इज ऑलवेज इंडिविजुअलाइज अगेन वही बात है ये वही बात कह रहे हैं लोगों के इंटरेस्ट वगैरह जो है वो सिमिलर हो सकते है सेव हो सकते है बट अगेन उनका जो एटीट्यूड है वो आपका डिफरेंट रहेगा ठीक है so, सो ये जो है ये हम क्या पढ़ रहे थे ये हमने पढ़ा अभी सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड के बारे में ठीक है सो अगेन दिस वॉज वन ऑफ योर क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ सोशल सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट हम अभी ये क्रिटिकल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं सोशल कल्चरल एनवायरमेंट के जिसके हमने पांच एलिमेंट्स को पढ़े ठीक है वी स्टडीड अबाउट वी स्टडीड अबाउट अवर सोशल institutions एंड सिस्टम सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा और अभी हमने पढ़ा सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड के बारे में So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe to RIAS classes. Thank you and bye bye.